हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान होते हैं कि अपने छोटे बच्चों को कैसे गोलू मोलू बनाएं, कैसे मोटा करें। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको मोटा करने के लिए बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान होते हैं कि इनको क्या खिलाएं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो ऑब्वियसली उसे कुछ भी नहीं खिला सकते। उसको आप सिर्फ मदर फीड या फिर अगर वो बॉटल फीड करता है तो वही करवाएं, वो ही उससे ही वो मोटे हो जाएंगे। और जो भी खाना है बच्चों को मोटा करने के लिए वो मदर खा सकती है, बच्चा उसमें कुछ भी नहीं खा सकता है। लेकिन जो अगर आपके बच्चे 6 महीने से बड़े हैं और आप वो सॉलिड फूड खाते हैं तो ऐसे में आप बच्चे को आलू दे सकते हो। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है और आलू एक ऐसा सब्ज़ी है जिसे हर बच्चा खाना पसंद करता है। मतलब वो एक ऐसा टेस्ट होता है कि छोटा बच्चा भी खा लेता है और बड़ा बच्चा भी खा लेता है। अगर 6 महीने से बड़ा है आपका बच्चा तो आप उसको मैश करके दे सकते हो, बॉयल करके मैश करके अच्छे से, और उसमें हल्का सा घी डाल दो ताकि जो उसकी जो हड्डियां हैं वो काफ़ी मजबूत बने। और गोलू मोलू बनाने के लिए ज़्यादातर कहते हैं कि हल्का सा घी डाल के बच्चे को ज़रूर खिलाना चाहिए, बच्चा उससे जल्दी मोटा होता है। तो अगर छोटा बच्चा है तो ऐसे में आप उसे मैश करके आलू दे सकते हो। अगर आपका बच्चा बड़ा है थोड़ा तो उसमें आप बच्चे को आलू दे सकते हो, मतलब फ्राई, घी में फ्राई करके दे सकते हो, या फिर जैसे भी आपको ठीक लगता है उस तरीके से आप बच्चे को आलू खिला सकते हो। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। नेक्स्ट जो होता है, सेकंड चीज़ है शकरगंद। आप अपने बच्चे को मोटा करना चाहते हो तो आप उसको शकरगंद ज़रूर खिलाइए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। वो स्वीट पोटैटो से कहते हैं, उसमें ऑलरेडी अपनी स्वीटनेस होती है, वो ऑलरेडी थोड़ी सी मीठी होती है तो बच्चों को खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। उसमें मैंने जैसा बताया कि छोटा है तो उसे मैश करके भी दे सकते हो, और अगर बड़ा है तो आप उसे चाट वगैरह बना के दे सकते हो। और याद रखें कि उसमें घी डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि घी से बच्चा वेट गेन जल्दी करता है। नेक्स्ट, आप अपने बच्चे को दलिया दे सकते हो। ये ऐसे मैं फूड बता रही हूँ जिसकी वजह से बच्चों का जो वेट है वो काफ़ी जल्दी पुट ऑन होता है, तो ऐसे में आप दलिया दे सकते हो। दलिया डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छा होता है, बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और छोटा हो या बड़ा हो दोनों ही खा लेते हैं। तो आप अपने बच्चे को दलिया बना के दे सकते हो, चाहे तो आप उसे मीठा दलिया बना के दे सकते हो, पर ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना वो मीठा खाते नहीं हैं। मतलब मैंने ऐसा काफ़ी ज़्यादा अपने आसपास देखा है कि कुछ बच्चे होते हैं जो मीठा नहीं खाते हैं, तो आप उसे नमकीन में भी बना के दे सकते हो। नमकीन एकदम जैसे हल्का सा उसमें घी डाल के, जीरा डाल के, नमक डाल के, थोड़ी बहुत सब्जियां डाल के आप उसमें दलिया छोंक के उसे दे सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये सब आपको ऑयल में नहीं करना है, ये सब आपको घी में ही करना है। नेक्स्ट, आप अपने बच्चे को ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो। इससे बहुत जल्दी बच्चे का वेट गेन होता है, इससे उनकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर तैयार कर सकते हो और वो पाउडर जो भी खाना आप उसे दे रहे हो उसमें थोड़ा सा डाल के उसको खिला सकते हो, बच्चा इजीली उसको खा लेता है अगर वो ड्राई फ्रूट नहीं खाता है तो। लेकिन अगर बड़ा बच्चा है तो वो नॉर्मली ड्राई फ्रूट खा लेता है, आप उसको सोक करके आराम से ड्राई फ्रूट दे सकते हो और वो खा लेंगे। नेक्स्ट, आप अपने बच्चे को बनाना दे सकते हो। बनाना काफ़ी अच्छा होता है, मतलब बड़े बच्चों को आप नॉर्मली दे सकते हो, वो इजीली खा सकता है। छोटा बच्चा है तो आप उसको मैश करके दे सकते हो, वो बहुत ही ईजी होता है तो वो मैश करके भी उसको खा लेता है और वो खाने में अच्छा लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा स्वीट होता है। नेक्स्ट, आप अपने बच्चे को दही ज़रूर दीजिए। अगर आपको अपने बच्चे को मोटा करना है और गर्मियों का सीज़न है, ठंड के सीज़न में आप अवॉइड कर सकते हो, या फिर उसको कोल्ड है या फिर जुकाम वगैरह है, खांसी है, तो ऐसे में आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल है आपका बच्चा और गर्मियों का सीज़न है तो ऐसे में आप अपने बच्चे को दही ज़रूर दें। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है। अगर आपका बच्चा 1 से 2 चम्मच या फिर आधी कटोरी भी दही लेता है पूरे दिन में तो ये बहुत ही अच्छा है उसकी बॉडी के लिए। इससे उसकी बॉडी जो है वो ठंडी बनी रहेगी, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और लू वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है ये भी नहीं लगती, और काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है तो बच्चों की बोन्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आप अपने बच्चों को दही दे सकते हो, चावल के साथ दे सकते हो, पराठे के साथ दे सकते हो, रोटी के साथ दे सकते हो, या फिर आप उसे ऐसे ही रॉ दही दे सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चे उसको भी इंजॉय कर लेते हैं। Oh, 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 oh